एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा ना लेफ्ट साइड में थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चश्मा ले ही लेते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ट्रिप है मेरा, उस ट्रिप में मैं टाइगर लेके जा रहा हूँ। अब ऐसा है कि मैं चला के यहाँ से लेके जा सकता हूँ, अभी भी कंफ्यूज है। मन तो है कि मैं टाइगर ही चलाऊँ, लेकिन लेट्स सी। सो दिस इज ऑल्सो द डेनिम, दिस इज ऑल्सो द डेनिम। नीचे भी डेनिम, ऊपर भी डेनिम, येलो और येलो चश्मा एंड ब्लू माई फेवरेट एज यूजुअल। सो समय हो रहा है 4:37 PM विद 28 degrees Celsius, इट्स थंडर स्टॉर्म्स। मैं क्लास जा रहा हूँ, बिंदिया जी आ रहे हैं, एक मीटिंग भी है। समवन इज़ विलिंग टू लर्न रैप, ही इज़ थोड़ा ज़्यादा ही सिंसियर किस्म के। एक और अभी एक मीटिंग बुक हुआ है, अपॉइंटमेंट एक बुक हुआ है, इट्स विद वन ऑफ द सिंगर who is willing to make herself even more better. So I have also released few of the tracks, dekhte hain abhi kya kaise hota hai, aur bindiya ji ka bhi class hai to chala jaye. Maine ek cheez aaj analyze kiya ki mujhe abhi chashma lena hi padega, wo isliye kyunki jab main game khelta hu to ek to dekho ye is jagah pe main baithta hu apne recliner pe aur udhar hai mera tv, to lagbhag ye 10 foot ka distance hai, lekin kya hota hai na racing game main khelta hu to hamare se aage bahut sare motorcyclists rehte hain aur wo thoda object jo hai thoda chhota dikhta hai aur wo moving object hai, uske wajah se thode hamare sar mein dard hota hai। To aaj हमारे मित्र का ही एक शॉप है रॉयल ऑप्टिकल्स, उधर ही जाते हैं। आई विल बी गेटिंग चश्मा ले लेंगे, फ्रेम ऑब्वियसली क्योंकि आई लव यू नो दिस रेबन, तो मैं रेबन का ही फ्रेम लूँगा। तो एक फ्रेम डिसाइड करते हैं। और मैंने कल तो मैं भूल गया था वो फाइल ऑफ द यू नो प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें नंबर्स वगैरह लिखा रहता है डॉक्टर का, वो ले लिया है। तो चलिए लेट्स गो। So the time update is 4:58 PM with 28 degrees Celsius, it's drizzling। 2 मिनट मैं समय से पहले आ गया, और अरे बिंदिया जी भी समय से पहले आ गए। आप सब लोग बिंदिया जी से मिले नहीं हैं, सो प्लीज़ मीट बिंदिया जी। सो दिस इज़ माई ब्लॉग चैनल, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, हाउ इज़ द क्लास गोइंग, एंड आप कुछ भी अपने बारे में बताइए, शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द क्लास एंड हाउ इज़ द थिंग गोइंग। Yeah, I met you all of a sudden, like I was just randomly searching for music classes. Since I came here just for 10 days, 10-15 days, and I found you. So ये 10-12 दिन 15 दिन के लिए ही हैं, फिर ये वापस दुबई जा रही हैं। She is from Dubai, मतलब she is from India, but she have been you know बाहर ही रही हैं 30-35 साल से, मस्कट फिर अभी दुबई। तो बताइए आप म्यूज़िक कैसे, और अभी आपको क्लास करने के बाद कैसा लग रहा है आपका म्यूज़िकल सपने को लेकर, व्हाट यू आर फीलिंग? आई एम फीलिंग ग्रेट, आई होप आई शुड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। एंड ये दुबई जाने के बाद भी विल बी डूइंग ऑनलाइन क्लासेस, ऐसा इन्होंने अभी तक तो बोला। या आई वांट टू डू ऑनलाइन क्लासेस। And she is doing great. The best thing is कि इनके अंदर जो है ना वो मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे कि मतलब यू नो सारे गमा गागा के थोड़ा चिढ़ जाते हैं कि अरे यार के कर क्या रहे हैं, गाना गाना है। बट she is very calmly and patiently going, and God bless her. Thank you so much, Shreyash. चलो
सी यू गाइस। तो अभी शार्प एक्चुअली एक मिनट पहले ही समय पे अब 5 बज गया तो क्लास शुरू हो रहा है, तो चलो आई विल सी यू आफ्टर द विनय जी का क्लास एंड ये। और युवराज क्या बोलता है? ये ऑन नहीं कर दी। ये क्या पहना है? ये कान का पहना है? हाँ, एयरपॉड। शादी किया? नहीं नहीं, JBL। क्या बात है, दिखा दिखा दिखा। ये देखिए इनका इनका नया गहना, ओह माय गॉड, वाह वाह, कितने का लिया? क्या पता पापा लेके। गाइस अ वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। साउंड अच्छा है युवराज, एक कान से जो है, एक कान में बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मशीन लगा लिया है, लेकिन ये बहरा नहीं हुआ है, ये अपने मोबाइल से, ये देखो इधर छुपा के रखता है मोबाइल ऐसा कीबोर्ड के ऊपर, मतलब दिखा रहा है कि ये कीबोर्ड बजा रहा है, अंदर ऐसा मोबाइल रख के ये जो है अपना चालू रहता है। ये रही जानवी, जानवी क्या बोलती है? कुछ नहीं बोलती है, ये कुछ बोलती है नहीं। ये जो है इसका ओरिजिनल कान का है, ये मतलब उसका ईयरफोन जैसा नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, ये तो जा रहा है फार फ्रॉम होम, हमें तो टिकट नहीं मिला, हम जा रहे हैं घर। ये जो आँख दिख रहा है ना, हमारा बायां आँख की जो माँ तो मतलब वो जो हो गई है तो माँ की आँख जैसी, अब उसमें हम चश्मा लेने के लिए जा रहे हैं, एक फ्रेम लेना है। ऑब्वियसली आई विल बी गेटिंग रेबन का फ्रेम ऑन, क्योंकि हमें नॉर्मल फ्रेम अच्छा नहीं लगता। ऐसे में भी आता, तो विल गेट अ फ्रेम एंड चलिए लेट्स गो। रॉयल ऑप्टिकल्स जा रहे हैं, देखते हैं हमारे परवेज भाई हमें कितना डिस्काउंट देते हैं। परवेज भाई जिस दिन वो आए थे, जो चाकू वाला कांड हुआ था ना, उन्हीं का शॉप है यहाँ पर, वोडाफोन स्टोर के नीचे। तो लेट्स गो। सो आई एम हियर एट द रॉयल ऑप्टिकल्स, आई हैव चूज्ड दिस, कौन सा रेवन है, द रेवन, कौन सा जल प्रिवेंशन करता है, इसका पूरा फ्यूचर भी रहता है। ओके, सो यूवी प्रोटेक्शन, वाटर रिप्लेनिश रहेगा, हम जो बाहर के अंदर जाते हैं उसके ऊपर पानी गिरता है, स्लिप अप होगा, स्क्रैच रेजिस्टेंट रहता है, डस्ट रिप्लेनिश रहेगा, हम जो डस्ट पार्टिकल नहीं चिटकेगा इस पर इतना ईजिली, वो सब बेनिफिट रहेगा। सो दिस इज ऑफ क्रिजाल, क्रिजाल दूसरा चीज उसमें होया जापनिक भी आए वो भी दिखा। सो दिस इज रॉयल ऑप्टिशियंस, गॉट डन, हमने फ्रेम लिया और वो जो बता रहे थे क्रिजेल का, वो ब्लू रेज को थोड़ा कट करता है, मतलब मैं टीवी गेमिंग वगैरह या लैपटॉप एडिटिंग ये व्लॉगिंग तो उसको वो थोड़ा वो रेज को कट करेगा ब्लू रेज को। सो वो आया 4,300 का और 10,000 का मेरा रेबेन का फ्रेम हुआ, 14,310 का बिल बना। तो यस अभी जा रहे हैं क्लास। एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा ना लेफ़्ट साइड में थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चश्मा ले ही लेते हैं। सो गॉट डन विद द क्लास, ये रहे जानवी, ये रहे हम, हम लोग जा रहे हैं, अरे आज काइंड ऑफ येलो है, तो मेरा ये येलो के साथ ये येलो चश्मा हो गया अपना डन, वो था आपने देख लिया रे बन बन बन। तो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, जीरो पे आ गए। तो ये है जानवी की परछाई, अरे जानवी की परछाई हो रही, अब मेरा अब नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो, ये रहा, क्या नहीं हाँ, दिख रहा है, ये रही जानवी की परछाई, ये रही हमारी परछाई, ये जा रही है अपने घर, हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये है पाव भाजी मेड बाय हमार बहना, और समय हो रहा है 10:28 PM, 28 डिग्री सेल्सियस, इट्स इज अनहेल्दी। आज हमारा रेबेन का फ्रेम चश्मा वो सब कुछ कर दिया, उसकी खुशी में श्रेष्ठा ने हमें पार्टी दिया, और श्रेष्ठा जो है अपने हाथ को जो है जख्मी कर लिया है, तो काफ़ी जख्मी, कैसे किया ये हाल श्रेष्ठा प्लीज से, ये हाथों से हम बात कर रही है, तो इसने पता नहीं इसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, हाउ इज़ दैट, सी इज़ ऑल्सो नॉट नोइंग, आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग, सो विल एंजॉय दिस, कैसे किया श्रेष्ठा ये, कैसे किया श्रेष्ठा, सो आफ्टर दैट, आफ्टर हैविंग द फूड आई स्लेप्ट,
पहली बार काफ़ी दिन के बाद ऐसा हुआ कि घर आने के बाद टीवी नहीं चला, क्योंकि मेरा सर काफ़ी दर्द हो रहा था, स्पेशली दिस पार्ट वॉज पेनिंग अलॉट, आई डोंट नो मे बी ये आग की वजह से हो रहा है। तो 11 बजे ही, इनफैक्ट आई थिंक 11 ही बज रहा था या 11 बजे केम ऑन बेड। उसके बाद 11:30-12 के बाद के आसपास मुझे दर्द हो रहा था, बट स्टिल आई ट्राइड स्लीपिंग, थोड़ा दर्द घटा तो मुझे नींद आ गई। आई वोक अप बाय 7 बजे मैं उठ गया। अभी टाइम हो रहा है 8:47 AM, 8:47 AM इट इज़ 5 जुलाई शुक्रवार, 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज़, इट्स हेज। सो वेकिंग अप मॉर्निंग इज एब्सोल्युटली अ गुड एक्सपीरियंस। आई डिड रियाज फॉर 30 मिनट, ओम का उच्चारण एंड कानपुरा चला के हमारे एलेक्सा मैडम के साथ। एंड यस, और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा 5th रेबन जो होगा वो एक, मतलब वो हमारा चश्मा बन जाएगा, बट नो वरीज। तो 5th रेबन ऑफ माई लाइफ टर्नड इनटू अ डिफरेंट रेबन। आई विल बी डेफिनेटली बाइंग मोर रेबन्स, बट 5th ऐसा हो जाएगा। लास्ट रेबन मैंने ये ख़रीदा था, तो ये जब मैं ख़रीद रहा था तो मैंने सोचा नहीं था कि उससे अगला जो रेबन खरीदूँगा वो फ्रेम ख़रीदना होगा। नो वरीज, आज हमारा चश्मा आ जाएगा। एंड यस, मैंने वो क्रिजल का वो ब्लू रे वाला चीज़ लिया, जो ब्लू रे लाइट को कट करता है जब भी मैं लैपटॉप यूज़ करूँगा या गेम खेलूँगा या टीवी देखूँगा या थिएटर में मूवीज़ देखूँगा, तब मैं पहनूँगा। क्योंकि वो जो ब्लू रे लाइट जो आता है फ़ोन से या किसी भी चीज़ से, उसको वो पूरी तरीके से कट कर देता है। सो दैट विल बी अगेन अ गुड थिंग फॉर मी। सो दैट्स वाई उसका कुछ 4,300 जैसा कुछ प्राइस था, 4,400-4,500 कुछ जैसा, और 10,000 का हमारा फ्रेम हुआ, तो लगभग 14,000 एज आई मेंशनड, 14,310। तो ये रहा हमारे चश्मे का एपिसोड। आई थिंक यस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस। अब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि जो कुछ भी आपको आपके ज़िंदगी में चाहिए क्या आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, यस या नो। अगर नहीं कर रहे हैं तो किसी और, अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप हर रोज़ सक्सेस की ओर पहुँच रहे हैं, और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुँचने के लिए सच में डिजर्विंग है, यस या नो। अगर नहीं है डिजर्विंग तो वर्क हार्ड लाइक हेल एंड बी द डिजर्विंग पर्सन। Trust me, the day you will be turning a deserving person, God will truly give you whatever you will be deserving. क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम deserve करते हैं, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। हर एक कर्म का फल मिलता है, ये मतलब मेरे शायद थोड़ा negligency के कारण you know ये ऐसा हो गया। 3-4 महीने पहले से भी मैं जब एक आँख को इस तरीके से बंद करता था, मैं देखता था कि इस आँख से मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बट उस वक्त मैंने निगलेक्ट किया इस चीज़ को 3-4 महीने पहले। धीरे 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 करके अभी ऐसा हो गया। सो ईश्वर हर एक कर्म का बराबर फल देता है, तो मेहनत करने का, खुशियाँ बांटने का, प्यार बांटने का। एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इन द नेक्स्ट श्रेया शांडिल्य लाइव। टाटा। वैसे अभी हमने जो है मम्मी से बात किया, और मम्मी को ये गुड न्यूज़ दे दिया कि अब हम जो है रात में सोने लगे हैं और दिन में उठने लगे हैं। तो मम्मी वाज़ वेरी हैप्पी, सी वाज़ सेइंग मी टू डू कपाल भाती एंड अनुलोम विलोम। आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट डूइंग योगा इन द मॉर्निंग टाइम, राइट? इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑल्सो क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, स्लाइटली जॉगिंग, पुशअप्स करने का। अब जिंदगी का सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि यू नो वो चेंज होते रहता है, लाइफ चेंजेस। सो अभी हमारा लाइफ चेंज हो गया है, रात में हम अपने आँख को बिल्कुल स्ट्रेन नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हम रात में सो रहे हैं, है कि नहीं?